काफ़ी हैवी डायबिटिक था, और कुछ डॉक्टर्स अगर जानते हो मेडिकल के बारे में, कुछ पर्सन जानते हो, तो ग्लाइकोमेट GP24 नाम की टेबलेट में दिन में 2 बार लिया करता था। और आजकल मैं जब मीठा ज़्यादा खा लेता हूँ तब लेता हूँ। ऑलमोस्ट मेरी टेबलेट छूट चुकी है, ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल हो चुका है। मुझे साइनस की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, जब स्पेशली जब मैंने सर्जरी करवा ली इसकी। और ये जब कैंगन पानी पी रहा हूँ और नाक में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा स्प्रे करता हूँ नाक में, तो मुझे ये कंजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। बिल्कुल मेरा नाक बिल्कुल साफ रहता है, सांस बड़ी आसानी से लेता हूँ। तो भी यानी साइनस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो इंसान है ना सुबह उठ नहीं सकता, मतलब जल्दी उसको 8 साढ़े 8 9, मतलब धूप जब तक ना निकले ना तो वो इंसान उठ नहीं सकता है। जनरली एक सिम्टम है साइनस का। तो ये सारी चीजें अपने आप चली गई। ड्राई स्किन के बहुत से इश्यूज थे मेरे घर में, मेरी डॉटर्स को, वो सब अपने आप चले गए। थोड़ा है कि केयरफुली सारे पानी यूज करो प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी पी रहे हैं और हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक पानी को बराबर यूज करो जैसे बताया गया, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गुंजन जी। बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि 20 सालों से जैसे कि आपने बताया कि साइनस की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मेडिकेशंस लेते थे या नहीं लेते थे कुछ? सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, वो एक एक्यूपंचर और एक वो मैग्नेट फंसाने वाला टेप, हर एक, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट बाकी नहीं रहा है। उसके बाद सब चीज होके अभी छोड़ो, अभी कुछ सब वही का वही है। तो पिछले कुछ सालों से तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। बहुत ज्यादा साइनस का जब अटैक होता है तो फिर तब अचानक जाते हैं डॉक्टर के पास, बट यूजुअली वो स्टीम लेके ऐसे ही मैनेज करते थे कि बढ़े ना। और चेन्नई का वेदर एक्चुअली बहुत ह्यूमिड है ना, तो यहाँ की वेदर में वो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बट नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब वो इजिली अपना रूटीन, बिजनेस, हेल्थ सब मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब